दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग ने सभी गेस्ट टीचर्स के लिए एक मोस्ट अर्जेंट सर्कुलर जारी किया है। अपडेशन ऑफ गेस्ट टीचर्स डिटेल, एग्जांपल के लिए एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर और बहुत सारे डिटेल आप अपना अपडेट कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। साथ में अपना नियर बाय स्कूल एड्रेस, घर के नज़दीक का कोई स्कूल हो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं, जिससे गेस्ट टीचर्स जब दोबारा उनको ज्वाइनिंग मिलती है रिलीव होने के बाद, तो आपके घर के नज़दीक में आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा। तो पूरा प्रोसीजर आपको करके दिखाएंगे कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिंक, जो ये लिंक है आपको यहाँ पर दे रखा है, और ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से सीधा क्लिक करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करेंगे। भाई एक बार वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें सभी गेस्ट टीचर्स ग्रुप में, ताकि सभी तक अपडेट पहुँच जाए। और जो भी आप अपना, मान लीजिए आपने नहीं करना है कुछ भी अपडेट, तो आप एक बार जरूर चेक कर लें कि भाई आपकी जो डिटेल है वो क्या है, है ना। इससे क्या होता है, कई बार आपकी डिटेल चेंज होनी रहती है लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। तो आईडी क्या होगी, द आईडी ऑफ द लॉगिन विल बी सेम एम्प्लॉय आईडी, जो आपकी गेस्ट टीचर्स की एम्प्लॉय आईडी है सेम वही आईडी रहेगी। एंड पासवर्ड, पासवर्ड विल बी द देयर टैब पासवर्ड, आप टैब यूज़ कर रहे होंगे भाई, आपने टैब में लॉगिन कर रखा होगा, अटेंडेंस लगाते वगैरह होंगे, तो जो टैब में आपका पासवर्ड है सेम आपका यहाँ पर भी ओपन होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका न्यू भी हो सकता है, या आपने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है तो अपना चेंज वाला पासवर्ड भी डाल सकते हैं साथ में। देखिए, एक तो आप टैब वाला पासवर्ड रहेगा, एक न्यू हो सकता है, दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपका पासवर्ड हो सकता है। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1995, एग्जाम्पल के लिए, तो आप पासवर्ड डालेंगे 26/10/1995, ठीक है। और आप अपनी सारी डिटेल अपडेट करेंगे 15 मार्च 2024 5 बजे तक। आइए मैं आपको सीधा लिंक से प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी नई एजुकेशनल अपडेट लगातार शेयर होती रहती है। तो आइए दोस्तों, ये जो लिंक है, जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। एक बार इसे आप ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ गेस्ट टीचर्स विलिंगनेस फॉर्म, प्लीज़ फिल द फर्स्ट नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ सेम फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि यहाँ पर एप्लीकेशन में कुछ दिया हुआ डिटेल आपको यही सारी चीज़ें फ्रेम करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए एप्लीकेशन आईडी है, यहाँ पर आप अपनी आईडी डालेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम है तो सिर्फ आप अपना फर्स्ट नेम, मान लीजिए आपका नाम अशोक कुमार है तो यहाँ पर आप सिर्फ अशोक लिखेंगे, कुमार नहीं लिखना है। उसके बाद फादर नेम है तो फादर्स नेम में भी ध्यान रखें कि आपके फादर्स नेम में श्री वगैरह वगैरह जो भी कुछ लगा हुआ हो सेम वही लिखें जो आपके फादर नेम में है। एंड डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पर आप प्रेजेंट मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आप वही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप OTP डालेंगे, ठीक है। तो जैसे आप सारी डिटेल यहाँ पर डाल दें, मान लीजिए आपने सारी डिटेल यहाँ तक फिल कर दी, उसके बाद OTP पे क्लिक करेंगे, OTP पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे OTP आएगा और आप इसे यहाँ पर फिल कर देंगे। तो एक बार मैं सारी डिटेल एक बार फिल कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको प्रॉपर दिखा पाऊँ। और दोस्तों, सारी डिटेल मैंने फिल कर दी है, उसके बाद मैं यहाँ पर OTP पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप अपना OTP इंटर करेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको गेस्ट टीचर डिटेल, आपकी पूरी डिटेल जो है, डिपार्टमेंट में आपने क्या क्या डिटेल दे रखी है, वो सारा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और नोट करना है, कि कैंडिडेट कैन फिल देयर इन्फॉर्मेशन ओनली वंस, तो केवल एक ही बार आप अपनी डिटेल को फिल कर पाएंगे। एक बार आपने गलती कर दी तो आप दोबारा इसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ध्यान से देखें कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या चेंज करना है। प्लीज सी द लिंक बिलो। आप इसमें और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, मान लीजिए आप अपना, आपको चेक करना है अपना, एक मिनट दिखा देता हूं आपको। आप फॉर्म के राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको जरूरत पड़ती है, कई बार जरूरत पड़ती है जब आप रिज्वाइन करते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ क्लिक टू सी द डिटेल ऑफ एप्लीकेशन, आप अपना एप्लीकेशन जो आपने फर्स्ट टाइम फिल किया था आप यहां से डिटेल देख सकते हैं। एंड देन यहां पर आपको ये वर्क एक्सपीरियंस, मतलब क्लिक टू सी द लिस्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको आपने कब और कहाँ कहाँ किस किस स्कूल में काम किया है, तो सारी डिटेल आपको यहाँ से मतलब यहाँ से दिख जाती है आपकी अपनी। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या चेंज करना है, क्या क्या अपडेट करना है। दूसरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर कर दूं कि जैसे आप गेस्ट टीचर अपने डेज जो है चेक करते हैं लॉगिन साइट से, तो वहां से आपको जो डेज हैं वो कम दिखाएगा, लेकिन यहां पर आपको प्रॉपर दिखाएगा, है ना। मान लीजिए आपके जो है स्कूल में अभी भी डेट अपडेट नहीं हुए, डेज जो है, मान लीजिए आपने पहले किसी और स्कूल में काम किया, फिर किसी स्कूल में, फिर किसी स्कूल में, इसी सेशन में आपने अलग अलग स्कूल जो चेंज कर दिए, मान लीजिए आपने 3-4 स्कूल आपके चेंज हो गए, लेकिन जब आप वर्किंग डेज देखेंगे तो आपके वहाँ पर जो डेज है वो शो नहीं होगा, मतलब
पुराने ही डेज शो हो रहे होंगे, चाहे आपने 3-4 स्कूल भी भले चेंज कर दिए हों, लेकिन अब क्या होगा, आप अपने डेज जो है अपडेट कर पाओगे, मतलब जो रिसेंटली डेज आपके ऐड हुए हैं ना, आप वो आपके ऐड हो चुके होंगे। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, साथ में यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है कि मान लीजिए अगर आपके डेज कोई भी अपडेट नहीं हुए हैं तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, वर्किंग डेज वर्किंग एक्सपीरियंस को। तो यहाँ पर आप देखोगे यू वुड रिक्वेस्ट टू योर कंसर्न स्कूल थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर एडिंग दोज डे वर्किंग डेज एक्सपीरियंस विच आर नॉट शोइंग इन द प्रोवाइडेड लिंक। आपको जो है आपके लिंक पर, यानी कि जो राइट में दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर आपके पूरे डेज जो है वो शो होने चाहिए। अगर वो नहीं हो रहे तो आप अपने करंट स्कूल और उस स्कूल से संपर्क कर सकते हैं जिसमें आपने काम किया था या जिससे आपके डेज अपडेट नहीं हुए, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए अपने वर्क एक्सपीरियंस को। अब यहाँ पर आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, तो देखिए सबसे फर्स्ट में आपका एप्लीकेशन आईडी है, उसके बाद आपका नाम है, तो ये सारी चीज़ें फिल्ड होती हैं। उसके बाद आपकी जो पोस्ट है, मतलब आप TGT है, PGT है, PRT है, जिस भी पोस्ट पे हैं, है ना, तो वो आपका यहाँ पर दिखाई देगा। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। फादर नेम, आपके फादर नेम यहाँ पर लिखा होगा। जेंडर भी आपका मेल फीमेल, और आप चेक कर लें, कई बार बाई मिस्टेक जो है वो चेंज हो जाता है कई बार, है ना, तो आप उसे ज़रूर चेक कर लें। एंड करंट स्टेटस, आप वर्किंग हैं या रिलीव हैं, है ना, वो आपका स्टेटस यहाँ पर। करंट स्कूल, आप एट प्रेजेंट टाइम में कौन से स्कूल में वर्किंग हैं, वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आप इसे एक बार खुद ज़रूर चेक कर लें। एंड प्रेजेंट मोबाइल नंबर, आप जो मोबाइल नंबर है आपका, वो आप इसमें चेंज ज़रूर कर लें। मतलब मान लीजिए आपने अपना नंबर चेंज कर दिया है, तो आप इसे यहाँ से अपडेट कर दें। प्रेजेंट ईमेल आईडी, तो मेल आईडी आप अपना यहाँ से चेक कर दें। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट एड्रेस, आप अपना एड्रेस ज़रूर अपडेट कर लें, क्योंकि एड्रेस के अकॉर्डिंग ही स्कूल मिलता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नियरेस्ट स्कूल आईडी फ्रॉम योर प्रेजेंट एड्रेस, आपके जो प्रेजेंट एड्रेस के नज़दीक में कौन सा स्कूल है उसकी डिटेल। एंड देन यहाँ पर आपको आपका पैन नंबर है, तो वैसे चेंज करने की ज़रूरत होती नहीं है, आधार कार्ड भी आपका सेम ही रहता है। एंड यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों को ये NIC पे आई डी से रिलेटेड शायद डाउट है, तो NIC जो पे आई डी है ना, वो आपके एक तो सैलरी स्लिप पे होती है, और दूसरा आप अपने, अगर सैलरी स्लिप पे नहीं मिलेगी आपको, तो आप अपने स्कूल में जो भी सैलरी बनाते हैं उनसे आप कंसर्न करें, तो आपको बता देंगे। देन आप यहाँ पर वर्किंग डेज आपको अपडेटेड मिलेंगे, जो सीनियरिटी लिस्ट है उससे यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेंगे। एंड स्टिल विलिंग टू वर्क विद DOE, यानी कि आप क्या विलिंग हैं DOE में काम करने के लिए, तो आपने क्या करना है यहाँ पर भाई, टिक करना है, और उसके बाद ही आप अपनी डिटेल जो है यहाँ से शो करेंगे। यहाँ लीजिए, आपको यहाँ पर यस आना चाहिए, है ना, ये देखो यस ही आना चाहिए कि आप स्कूल मतलब काम करना चाहते हैं, इसमें नो ना कर दें, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आईडी को बंद बंद ना कर दिया जाए। वैसे ऐसी दिक्कत आती नहीं है, बट आप अपनी सारी डिटेल चेक जरूर कर लें, और उसके बाद आप यहाँ पर अपना सही से अपडेट कर देंगे। और जब भी देखिए कि भाई, एक बार आपने जब सारी डिटेल फिल कर दी, तो सारा कुछ सही है कि नहीं है इंश्योर कर लें, उसी के बाद ही आप यहाँ पर फाइनल जो है अपडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी डिटेल अपडेट हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है, साथ में व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, सारा कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।